बच्चों ने मैं कुछ देखा, बादशाह ने कुछ देखा और उन्होंने हिंदुत्व फैसिज्म ब्राह्मणवाद मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है। आज अपने लोग स्टेज में बैठे जो इस सिस्टमैटिक ब्राह्मणवाद मनुवाद से लड़ता रहता है, प्रोग्रेसिवनेस के फेस में, प्रोग्रेसिवनेस के फेस में जो हमें हर दिन कास्टिज्म फेस करना पड़ता है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम। सबसे पहले मैं अपना हुल जोहार पेश करती हूँ बाबा साहेब को, सावित्री माई को, फातिमा को, फूलन को, नांगेली को और तमाम हमारे आइडल्स को जिन्होंने हमें अपनी लड़ाई करना सिखाया, डिग्निटी के लिए लड़ना सिखाया, आज हमें चलना सिखाया है, बहुजनों को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। ये जीत सबसे पहले ये जीत बादशाह के नाम है। 10 साल बाद बादशाह जीता है और ये सिर्फ मेरी अकेले की जीत नहीं है, तमाम वो फाउंडिंग मेम्बर से लेके आज तक जो मेरे साथ रात दिन एक कर दी, जिस जिन्होंने खूब पसीना बहाया है, इतनी मेहनत करी है, तो हमारी जीत है। एक बहुजन अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन की जो जीत होती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट यूनियन में जो जीत होती है, जो इस सिस्टमैटिक ब्राह्मणवाद मनुवाद से लड़ता रहता है, प्रोग्रेसिवनेस के फेस में जो हमें हर दिन कास्टिज्म फेस करना पड़ता है, उसके खिलाफ जो बादशाह की लड़ाई है वो हमारे लिए बस एक सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे लिए बस एक सत्ता की लड़ाई नहीं, ये हमारी असर्शन और डिग्निटी की लड़ाई थी। और आज हर एक को आंसू बहा है, खुशी में आंसू बहा है। और मैं जानती हूँ जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स साथ ही जो पुराने हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, जो अपने घरों से देख रहे हैं, उन सबके आंसू बहे होंगे क्योंकि बादशाह की इतनी हिस्टोरिक जीत है। 10 साल बाद बादशाह सेंट्रल पैनल पे आया है, मैं एक दलित क्वीर महिला होके सेंट्रल पैनल पे आई हूँ। इस रेजिस्टेंस को, बहुजन रेजिस्टेंस को, बहुजन असर्शन को मेरा हुल जोहार पेश है। बाबा साहेब के मैं कुछ शब्द पढूं। माई फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, हैव फेथ इन योरसेल्फ, विद जस्टिस ऑन आवर साइड आई डू नॉट सी how we can lose our battle. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is a battle for reclamation of human rights. Today's victory in JNU, in this academic institution that has been known to be discriminatory to Bahujans, to minorities, to persons with disabilities, to queer people, to oppressed people. I dedicate this victory today to Rohit Vemmela at first. I dedicate this victory to Rohit Vemmela and countless others who have not been given a space in academic institutions. Aaj ye unki bhi jeet hai. बादशाह जब उभर के आता है इस बार इस इलेक्शन में, तो हमें कुछ रूमर सुनाए पड़ते हैं, हमें कह दिया जाता है कि लेफ्ट सपोर्टेड हर जगह। आप देखिए कि यहाँ के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का बहुजन, लाइक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणवाद कैसे खुल के बाहर आता है जब एक बहुजन ऑर्गेनाइजेशन अपना असर्शन करता है। वो बादशाह का नाम अकेले नहीं देखना चाहते, वो बादशाह का नाम अकेले देखना चाहते तो कॉमा करके लेफ्ट सपोर्टेड कर देता है। मैं उसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है, तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे, मुझे आज सपोर्ट जेएनयू की जनता ने करा है, ये लेफ्ट के प्यादों ने नहीं करा है। जेएनयू के बच्चों ने मैं कुछ देखा, बादशाह में कुछ देखा और उन्होंने हिंदुत्व फैसिज्म ब्राह्मणवाद मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है। अगर कुछ लिखना है बादशाह के आगे तो लिखना है कि जेएनयू सपोर्टेड, अंबेडकर सपोर्टेड, बहुजन सपोर्टेड बादशाह, नॉट लेफ्ट सपोर्टेड। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया, बादशाह पे भरोसा दिखाया, तो आपको इस एक अपने टेन्योर में और इसके आगे भी हम अपनी जगह बनाए रहेंगे,
हम लोग हमेशा, आज मेरे साथी ने कहा कि हम लोग हमेशा नीचे बैठ के, कुछ भी UGBM होता था तो ऑडियंस में बैठ के ऊपर स्टेज में देखते थे इन लोगों को, आज अपने लोग स्टेज में बैठे। मैं बता दूं कि आज के बाद देख लीजिएगा हमारे टेन्योर में, हमारा जब सामने काउंसिल बना था उस स्कूल में एक भी ड्रॉप आउट रेट नहीं था, आज सेंट्रल में आया है यूनिवर्सिटी में एक भी ड्रॉप आउट नहीं होगा। डीएस कैश भी इंस्टेट करा जाएगा, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं सब लोग पीड़ित हैं वो रीइंस्टेट करा जाएगा, उसको एड्रेस करा जाएगा, वाइवा वोसे में का वेटेज कम करने की बात करी जाएगी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी की बात करी जाएगी। जो ये तीन हॉस्टल बना देते हैं और लिमिट कर देते हैं यहाँ के जेएनयू के लोग, जो ये गंगा ढाबा और तमाम ढाबा फलाना ढिमकाना ढाबा का रोमांटिसाइजेशन करते हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए तो एक्सेसिबल नहीं है, तो ये कैसा रोमांटिसाइजेशन है। हम इसकी बात रखेंगे, हम इस कैंपस को सेंसिटाइज करने की बात रखेंगे। JNUSU कॉन्स्टिट्यूशन सहस्रते के डिमांड है, JNUSU कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक ही और शी प्रोनाउंस यूज होते हैं, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस का अमेंडमेंट करेंगे, जेंडर न्यूट्रल बाथरूम, जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल आज से इसी घंटे से, इसी सेकंड से, इस बात, इस सब असर्शन की, अपनी डिग्निटी की लड़ाई की, इस सब की शुरुआत होगी। बात का खत्म में आया है, 10 साल बाद मैं आपकी दोबारा बता दूं, ये अम्बेडकर वाद डिस्कोर्स की जीत है या आप सबकी जीत है, आपके लिए मेरी जीत।